एवरेज पावर एसोसिएटेड विद ओनली इंडक्टर। ओनली इंडक्टर में आर मत लेना, एक्स एल लेना बस। तो ओनली इंडक्टर में ये ईएमएफ है, करंट जो होता है इंडक्टर में पीछे होता है पैन एंगल ऑफ पाई बाई टू हमने किया। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी, ये ई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इंस्टेंटेनियस पावर, तो यहाँ से डी टी राइट की तरफ, ई की जगह पुट किया ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की जगह माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो ये क्या आ गया, डी डब्ल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ डी टी। अब इस रिजल्ट को टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दिया। मैथ्स में लोग समझते हैं क्यों, क्योंकि टू साइन कॉस इज साइन ऑफ टू ओमेगा टी। ये देखो टू को यहाँ लेफ्ट पे ले गया और एक टू को इनके आगे लगा दिया और इंटीग्रेट कर दिया जीरो से टी, तो टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी मैथ्स में क्या होता है, साइन ऑफ टू ओमेगा टी, ताकि फॉर्मूला ऐसा बन जाए, सिंपल हो जाए। और मैथ्स में एंगल चाहे कुछ भी हो, साइन या कॉस की इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल टी आंसर हमेशा क्या देती है, जीरो। तो सीधा उठा के क्या पुट कर दिया, जीरो। टोटल वर्क डन ही जीरो आ गया, तो टोटल वर्क डन में टोटल टाइम भी जीरो, तो एवरेज पावर इंडक्टर में क्या आती है, जीरो। क्लियर है यहां तक? तो इंडक्टर में एवरेज पावर आ गई,